राधिका आज पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन राधिका के ऊपर हर वक्त पर भगवान भोलेनाथ का छाया रहता है। वो इसीलिए हर बुरे वक्त पर वो साथ दे देते हैं। लेकिन दिव्यम के इस सुनवाई को भगवान भोलेनाथ ने किसी भी तरह से करके रोक तो दिए हैं। लेकिन राधिका, अगले सुनवाई होने तक तुमको हर हाल में उस मुजरिम के बारे में सारे सबूत इकट्ठा करना होगा, नहीं तो अगले सुनवाई को तुम कितनी भी जोर क्यों ना लगा लो, उसे तुम कभी भी नहीं रोक सकती हो। और वही आज जो अगले ट्रैक में दिखाया जाने वाला है, उसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अब नानी राधिका के सामने बहुत जल्द आने वाली है और राधिका के सामने आकर एक बहुत ही बड़ी शर्त रखने वाली है। यानी कि नानी राधिका को ये कहने वाली है कि राधिका, तुमको अदालत में सिर्फ ये कहना होगा कि हाँ, मैंने इनको वहां पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन नानी किसी रीजन से बच गई है। लेकिन राधिका दिव्यम जी को जेल से छुड़ाने के लिए इस शर्त को भी मान लेने वाली है, क्योंकि राधिका हर हाल में दिव्यम जी को जेल से बाहर देखना चाहती है। मगर यहाँ पर नानी अपने ऊपर थोड़ा सा भी इल्जाम नहीं लगने देने वाली है, लेकिन नानी इस मकसद को भी हासिल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भगवान शिव ने राधिका का कोई रास्ता तो जरूर दिखाएंगे। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।